हरदोई जनपद के संडीला ग्राम सभा भिटौली का मामला, जहां पर प्राथमिक विद्यालय की रास्ता बच्चों व मास्टरों के आने जाने के लिए छूटा पड़ा है और दो लेखपालों के द्वारा ग्राम प्रधान प्रति जिला पंचायत नौशाद अली के द्वारा पैमाइश कराकर छोड़ दी गई। वहीं आवागमन हेतु राम प्रकाश पुत्र नंदलाल ने स्कूल की छूटी पड़ी जमीन पर लकड़ी आदि लगा दी, मना करने पर भी नहीं हटाया और जबरदस्ती दिखा। जबकि विद्यालय का दर्जा मंदिर से कम नहीं है, आजकल के लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करने को आमादा हो रहे। वहीं एक तरफ सरकार भू माफियाओं से अवैध जमीन को खाली करा रही है, दूसरी तरफ बेखौफ होकर शासन प्रशासन से खिलवाड़ सम कर रहे हैं। इस दबंगी को देखते हुए प्रधानपति ने पुलिस से सहयोग की अपील की, जिससे आसानी से रास्ता बनाया जा सके। टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए अजीत वर्मा की रिपोर्ट, हरदोई। भारतीय जनता पार्टी 138 विधानसभा निघासन आईटी विभाग की बैठक आज दिनांक 6 मार्च निघासन में क्रय विक्रय समिति में बैठक संपन्न हुई, जिस बैठक में आईटी विभाग के जिला संयोजक श्री सौर्य सक्सेना जी व 28 किरी लोकसभा के संयोजक अंकुर श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिला उपाध्यक्ष विधानसभा संयोजक दयाशंकर मौर्य, निघासन मंडल प्रभारी दिलीप शुक्ला, निव विधानसभा आईटी विभाग के संयोजक विपिन मौर्य, आईटी विभाग के समस्त विधानसभा की कार्यकारिणी व मंडल की कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में पार्टी के द्वारा दिए गए कार्य की योजना बैठक संपन्न हुई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के समस्त आईटी विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए सूरज केवट की रिपोर्ट, लखीमपुर। पुलिस व वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी धड़ल्ले से हरे भरे व आम व महुआ के पेड़ों पर चलवाए जा रहे हैं अरे। यह मामला है जनपद हरदोई के ग्राम सभा परिहावा के मजरे सेखवापुर के दक्षिण मेन सड़क के किनारे, जहां पर कटान बेखौफ होकर साजगार से हुआ करता है। वहीं अवैध कटान लगकर कट्टों को नहीं डर किसी का, बताते चले कि डीएफओ को एसपीडीएम का डर नहीं। जुगाड़ से तहसील संडीला के हल्के के सिपाही व वन विभाग के मिली भगत से ठेकेदारों के द्वारा होता है हरे भरे पेड़ों का कटान। देखते हैं कि यह रवैया बदलता है या नहीं। अपराध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, वहीं पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ा जा रहा है। वहीं सरकार एक तरफ वृक्षों को लगाने पर जोर दे रही है, दूसरी तरफ प्रतिबंधित पेड़ों को काटने की बात हो रही है। यह वन एक्ट हत्या से कम नहीं है। वहीं दोषी पाने वालों पर वन एक्ट के तहत मुकदमा लिखा जाना चाहिए, जिससे दोबारा दोषी कदम आगे न बढ़ाए या वहीं मुकदमा करने और करवाने वाले दोनों पर ही होना चाहिए। टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए अजीत वर्मा की रिपोर्ट, हरदोई। जनपद लखीमपुर खीरी मैलानी थाना के अंतर्गत कुकरा चौकी क्षेत्र ग्राम पंचायत ग्रंट नंबर 3 सीतारामपुर में एक घर जलकर राख हो गया। वहीं आग लग जाने से गांव में अफरा तफरी का माहौल बना। वहीं स्थिति ग्राम वासियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि घटना लगभग 6 बजे की है। आपको बताते चले कि घर के अंदर रखे अनाज कपड़े अथवा बर्तन सहित 5000 टीवी वैन नगदी सहित जलकर खाक हो गई। वहीं मुन्नी देवी ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे बाहर मजदूरी करने गई थी। साथ ही बताया उन्होंने छोटे छोटे बच्चे घर पर मौजूद थे, उन्हीं में से एक छोटे बच्चे ने घर में आग लगा दी। आपका मुन्नी देवी, कहाँ रहती हैं आप? सीतारामपुर। ये क्या घटना हो गई यहाँ पर? आग ही लग गई। कैसे? बच्चे से? हाँ। मतलब बच्चे ने लगा दी? हाँ। फिर किसी को सूचना दी? हाँ, प्रधान के। प्रधान कौन है यहाँ के? राकेश। राकेश? हाँ। अच्छा, पूरा नाम क्या है? राकेश चौधरी। राकेश चौधरी। हाँ। अच्छा अच्छा, फिर और किसी को सूचना दी? और कोई तो नहीं। पुलिस को दी सूचना? हाँ? पुलिस को नहीं दी। नहीं दिया? और घर पर कौन कौन था आपके? बच्चे ही रहे। बच्चे थे? बाहर रहे। हाँ। अच्छा, फिर ये आग कैसे बुझाई गई? गांव वाले बुझाए। अच्छा, क्या क्या नुकसान हो गया? खटिया जली गई है, राशन पानी जली गया, 5000 रुपया। 5000 रुपये भी जल गए? अच्छा, बाहर दुखिया वहीं वहाँ से भेजी ना है। तो मतलब प्रधान ने क्या बताया फिर? प्रधान ने कह रहा था तो मैं खयाल था, तो बजे तक नहीं आया। अच्छा। टीवी1 इंडिया न्यूज़ के लिए अतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी।